अपने पास में जो लैपटॉप स्टार्ट है 5000 से लेके कि आप जैसा भी लोगे आपको राइजन 5000 में भी लैपटॉप है, 5000 में अवेलेबल है। हे आराम, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो बड़े दिनों बाद वीडियो आ रही है, कुछ अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं। सो आज मैं आया हूँ सिल्वर मॉल। अब सिल्वर मॉल क्या है? ये कोई मॉल नहीं है, ये एक्चुअली ऐसी बिल्डिंग है जिसमें कंप्यूटर का A to Z सामान मिलता है। सेकेंड हैंड लैपटॉप मिल जाते हैं, नया लैपटॉप मिल जाता है। तो मैं भी आज एक लैपटॉप रिपेयर करवाने आया हूँ और देखते हैं लैपटॉप रिपेयर की क्या कॉस्टिंग होती है, क्या चार्जेस होते हैं। पुराना कंप्यूटर लेना है, नया लैपटॉप लेना है, सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना है, तो वो कितने रुपए तक का मिल जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखना है, ठीक है? और कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो चलो चलते हैं। तो अगर लोकेशन की बात करूँ, इस साइड है रीगल स्क्वायर और इस साइड है मधुमेलन। DAVV का कैंपस है, यहाँ पर ऑफिस है, जस्ट उसके सामने मिल जाएगा आपको सिल्वर मॉल, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे लैपटॉप्स की कंपनी के स्टोर्स है, जैसे HP है यहाँ पे देख रहे हो आप, और डेल का भी स्टोर है, आसूस का है, लिनोवो है, और ये पूरी बिल्डिंग में सिर्फ यही सामान मिलता है। तो अपन चलते हैं फिलहाल, और अपना जो लैपटॉप रिपेयर करवाना है वो कहाँ हो सकता है देखते हैं। आए थे अपन ये वाली शॉप पे, यहाँ पे ना बहुत सारे लैपटॉप लगे हुए, देखो एप्पल के भी है, HP के भी है, डेल के भी है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए, मेरे पास जो लैपटॉप है वो तो रिपेयर नहीं हो रहा है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए भैया से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। तो भैया जैसे अपन स्टूडेंट है, कॉलेज वगैरह के प्रोजेक्ट रहते हैं, या घर पर अपने को सिर्फ नेटवेट चलाने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए लैपटॉप चाहिए, सेकेंड हैंड चाहिए, तो कितने क्या रेंज में मिल जाएगा और अच्छा हो? हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश सोलंकी। मैं आपको बताना चाहूँगा इन दो का स्लो मॉल सबसे बड़ा मार्केट है, MP का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ आपको लैपटॉप कंप्यूटर अपने होलसेल रेट में बहुत ही बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। हाँ जी, अपने पास में लैपटॉप जो अंडर वारंटी में वही मिल जाएंगे आपको, रिफ भी मिल जाएंगे आपको, दिखा देता हूँ लैपटॉप में। अपने पास में जो लैपटॉप स्टार्ट है 5000 से लेके कि आप जैसा भी लोगे आपको राइजिंग 5000 में भी लैपटॉप है, 5000 में अवेलेबल। उसका में जो अपना PC आपको 2000 से अवेलेबल, PC असेंबल करके देते हो आपको तो 4500 में अवेलेबल है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये Asus का i5 10th generation 8GB RAM, 128GB SSD और 1TB SSD, i5 10th generation। तो अपने पास में से बॉक्स से एक लैपटॉप भी आता है, ये है Ryzen 5, और इसमें लेना होता है IdeaPad Ryzen 5, और इसमें 2GB का रिटर्न ग्राफिक्स कार्ड है। तो 512GB SSD के साथ में नया लैपटॉप 1 साल सर्विस सेंटर वारंटी में चाहिए, ये लैपटॉप भी अपने पास में अवेलेबल है। और उसके बाद में HP का है ये Elite Book, ये होता है कमर्शियल लैपटॉप। लैपटॉप दो टाइप के होते हैं, एक कंज्यूमर होता है, कमर्शियल लैपटॉप। ये कमर्शियल लैपटॉप भी नया था, 1,46,000 का नया है। और आप कितने में दे रहे हो? ये आपको दे देंगे 22,000 रुपये। कितने दिन पुराना है, मतलब कितने? ये सर चले जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से लोड निकलता है, माइक्रोसॉफ्ट के सिस्को है, वहाँ से लोड निकलता है, एग्रीमेंट होता है आपका, वहाँ पे क्वांटिटी में आती है, बल्क क्वांटिटी में। तो ये अभी कितने दिन पुराना हो गए? ये चला हुआ 1 साल 6 साल चला हुआ बस जी, मतलब वो अपना काम जब तक। ये आपको मैं देखूंगा 22। और जो आजकल गेमिंग का भी बहुत चल रहा था, गेमिंग वाला कोई लैपटॉप है? देखो सब वाह यार, पेट पे के तो ये मेटल बॉडी लैपटॉप है, वो कंडीशन देख लिया अभी तो, इसकी वेब कैम की बंदी भी नहीं निकली। हाँ, उसके बाद में Ryzen 5 है ये 5500U, 2GB रेडियन ग्राफिक कार्ड, 8GB रैम DDR4, उसके बाद में अपना 512GB SSD, वो भी एडवांस वाली NVMe। बढ़िया है,
जी। तो अभी जैसे ये कितने का बता रहा हूँ, ये गेमिंग हाँ 25,000 का है। अब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कैश नहीं दे सकता, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि सेकेंड हैंड लैपटॉप भी फाइनेंस हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हो आप, क्या डॉक्यूमेंट मांगते हो? वो क्रेडिट कार्ड नहीं है अगर, उसके लिए तो सब कैसे होगा, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है? बढ़िया है। और नए भी आप करवा देते हो? उसके बाद में आपको ये लैपटॉप ये आपको मिल जाएगा 11,000 11,000 रुपये। ये i5-7 के इक्विवेलेंट में AMD का i10 प्रोसेसर लगा, 8GB RAM लगी, 256GB SSD लगी, उसमें आप हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो, दोनों SSD हार्ड डिस्क दोनों एक साथ लगा सकते हो। मैं 98,000 का आता है। और ये एप्पल का? एप्पल का ये एप्पल का दे दूंगा मैं आपको 14,000 14,000 रुपये में। i5 आपको 14,000 में मिल जाएगा, 4GB RAM, 500GB हार्ड डिस्क, 128GB SSD के साथ। बढ़िया है आपके पास। मतलब कंप्यूटर भी असेंबल करके दे देते सब मशीन है आपके पास, असेंबल करवाना चाहते हो असेंबल भी हो जाएगा, वो भी फाइनेंस कर देते हो आप, पर क्रेडिट कार्ड होना चाहिए अगर कुछ। स्मार्ट टीवी नहीं, अभी तो लैपटॉप का बना रहे अपन। चलो थैंक यू भैया। और उसके अलावा क्या लैपटॉप रिपेयर की क्या चार्जेस रहते हैं? हाँ वो ले लिया मैंने, लैपटॉप रिपेयर का चार्ज अलग अलग है, 300 से लेके वो जैसा भी डिपेंड उस पे कि प्रॉब्लम क्या है उसमें, उस पे डिपेंड। तो एंड टू एंड कर देते हो? चलो बढ़िया शॉप है ये, शॉप की डिटेल है देख लो, नंबर वगैरह यहाँ से देख लो, और फोन लगा के भी बात करके पूछ सकते हो भैया कौन सा लैपटॉप चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। अच्छा कोई पुरानी चीज लेके गए तो आपको 1 साल की वारंटी मिल जाएगी सेकंड लैपटॉप पे, और यदि आप मशीन पे लेते हो तो आपको 500 रुपये में 1 साल वारंटी मिलेगी। बढ़िया। और जैसे इंदौर से नहीं हूँ मैं, देवास से हूँ, खंडवा से हूँ, तो फोन लगा के व्हाट्सएप वगैरह पे भी कर दोगे ना? तो ये नंबर जो बताया उस नंबर पे आप कोई सा लैपटॉप लेते हो, यदि आपने ले लिया 5 दिन आपने चलाया, यदि आपको नहीं पसंद आता उसका अपने एक्सचेंज करेंगे, यदि आपको ऐसा भी लगा कि लैपटॉप कॉस्टली है उसका आप अपन चेंज करेंगे, एक्सचेंज कर दोगे, रिफंड नहीं मिलेगा ना? ठीक है चलो भैया थैंक यू। बिल्डिंग का बेसमेंट है यहाँ पे भी ना, लैपटॉप रिपेयर की बहुत सारी शॉप है, मतलब इतनी सारी शॉप है कि बता नहीं सकते। अपने पास आईबॉल का लैपटॉप है जो कि कोई हाथ डालना नहीं चाह रहा उसमें, ये एक शॉप है शायद यहाँ ठीक हो जाए। तो भैया ये है आईबॉल का लैपटॉप जो 10-15 हज़ार रुपये का आता है, तो बाई मिस्टेकली हमारे जीजू जी ने ले लिया था ये, जो कि वेस्ट ऑफ मनी हो गया है। कितने सारे लैपटॉप पड़े हुए हैं, बहुत सारी शॉप है, आओ देखो घूमो, जो लैपटॉप पसंद आता है ले जाओ। तो भैया अपना लैपटॉप तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि वो आईबॉल का था और उतना वर्क भी नहीं है उसका, दिल्ली से सामान वगैरह मंगाना पड़ता और लैपटॉप फिर 3-4 दिन के लिए रखना पड़ता। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि हैंड टू हैंड चीज़ें ठीक करवा लेना बेटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, कुछ शॉप अच्छी है कुछ शॉप फ्रॉड भी करती है, आपके लैपटॉप से सामान भी निकाल लेती है ऐसा सुनने में आया है। मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा कि क्या हुआ क्या नहीं, पर मेरे कुछ दोस्त है जो पहले रिपेयर करवा के गए, उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। इसे एक लास्ट में दोस्त आया था उसके लैपटॉप से रैम गायब कर दी थी, अब उसको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था तो उसको बाद में पता चला कि भाई उसके लैपटॉप से 4GB रैम गायब है। तो लैपटॉप अगर लेके आ रहे हो रिपेयर के लिए तो हैंड टू हैंड करवा लो, और सेकेंड हैंड लैपटॉप अगर ले रहे हो तो अपनी सोच बूझ से लो, ठीक है मेरे कहने के अकॉर्डिंग मत लेना आप, आपको जो शॉप अच्छी लग रही है वहाँ से लो और देख परख के लेना, सेकेंड हैंड चीज़ सेकेंड चीज़ ही होती है, वो उसके अंदर क्या है क्या नहीं है तो सारी चीज़ें सोच समझ के लेना, बाद में रोना मत क्योंकि चीज़ें क्या है एक बार खरीद ली ना तो एक्सचेंज करके दूसरा लैपटॉप ही देंगे आपको, रिफंड नहीं मिलने वाला, और दूसरे के बाद ऐसा नहीं होगा कि तीसरा चौथा
कपड़ा नहीं है ये कि बार बार चेंज करते रहो लैपटॉप है तो ये उतना आपको सोच समझ के लेना है मीन्स ये। बाकी बढ़िया जगह है, बहुत सारी कंपनीज अलग अलग है, बहुत सारे लैपटॉप्स हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लेना ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। और बताना वीडियो कैसा है और किस टाइप की वीडियो बना सकता हूँ, आपको किस टाइप की वीडियोज़ देखना है ठीक है। चलो बाय।